मेहमान आ गए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। हमेशा की तरह जबरदस्त। एक मिनट, अंदर जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए जरा। हाँ बिल्कुल। ये देखें, ओए होए, आप ही अच्छी लग रही है। नहीं आप भी अच्छी लग रही है। आप बताएं, आपके आने की खुशी में मैंने क्या किया? क्या किया? मैं नई परफ्यूम खरीदी, खुशबू आ रही है। थोड़ी थोड़ी। यार क्या कह रही है, सस्ता वाला है? नहीं अच्छा अच्छा है। नहीं सस्ता है लेकिन। अच्छा, अंदर दो बड़े खतरनाक होस्ट हैं। अच्छा, एक पक्की होस्ट है और एक ट्रेनिंग पे। चले चले, तो भी गर्मी बहुत है। आइए प्लीज, वेलकम। वाह माशाल्लाह, नाइस। कहां है सर? यासर में जाकर फुल याद कर रहा सवाल मोटे मोटे। हाय, अस्सलाम वालेकुम। अरे पड़ोसी आए, बड़े बड़े पड़ोसी आए। वालेकुम, कैसी हैं आप? फाइनली आप लोग के घर में। आखिरकार आखिरकार, कितने साल हो गए हमें पड़ोसी बने हुए, लेकिन सुनीता, देखिए मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। तो नहीं खाना पीना? नहीं नहीं खाने। मैं होस्टिंग मैंने लाइफ में कभी नहीं किए, इसे दानिश ने किए। दानिश ने किए, बच्चों बच्चों को होस्ट किया सर। आज पहली दफा किसी बड़े को होस्ट। हाँ ये तो ऐसी सवाल जवाब है। और सवाल जवाब क्या, हमारी मेहमान है भाई, बुरी वाली बातें होंगी जैसे मेहमानों की होती है। बताएं खाने में क्या पसंद है आपको? सब कुछ। पाए, निहारी, बिरयानी, फेवरेट बाकी सवाल याद किए मैंने। पूछो, देख पहला सवाल ये है, नहीं आराम से पूछते यार। नहीं नहीं बोला नहीं, बोला तो बैठे हैं, क्या करें आप? चलो क्या हो गया, सांस लो। बस सुनीता है, अपनी है यार। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अभी बोल बोल के आपने स्ट्रेस दे दिया भाई के कसम से। हालांकि स्ट्रेस था नहीं। पूछ लो पहला सवाल, लव मैरिज है अरेंज मैरिज? लव मैरिज है अरेंज मैरिज, आपकी पसंद की। आपको क्या लगता है क्या होगी? ये लव मैरिज अरेंज तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मतलब लव ही क्या होगा उन्होंने। अच्छा समझ जाए अब आप। हाँ मैं समझ गया हूँ। अच्छा एक बात बताएं, शादी के वक्त मैंने सुना है कि हसन भाई का वेट काफी था। हाँ, मिले कैसे पहले? यानी कि रॉन्ग नंबर पे आपने नंबर डायल किया, उन्होंने उठा दिया? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अभी वो उन्होंने मुझे प्लेन में देखा था, वो एक एजेंसी में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करते थे, और मैं वहाँ पर एज मॉडल जा रही थी लाहौर। तो उन्होंने मुझे देखा, जब शो वो खत्म हो गया उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने फोन किया कि भाई मुझे तो आप लोग का बोर्डिंग पास दिखाना है अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो मैंने उनसे कहा भाई बोर्डिंग पास तो इंटरनेशनल का कोई संभाल के नहीं रखता, तो डोमेस्टिक का कौन रखेगा? और क्या? तो मैंने खैर फोन बंद कर दिया। फिर तीन चार दफा और कॉल आई, मैंने कहा मुझे कोई तंग कर रहा, मैं लाइन काटती हूँ। शक्ल देखी हुई थी? नहीं नहीं, मैंने पता नहीं था कि कौन है। देखे ब्लाइंड लव, प्यार अंधा होता है, आज तक भुगत रहे। फिर उसके बाद बस मैसेजेस आना शुरू हुए और पता नहीं क्या हुआ, मैंने भी रिप्लाई करना शुरू कर दिया और बस इसी तरह हमारी टीम। आपको क्या आवाज अच्छी लगी? 3 महीने हमें कैसे पता लगेगा हमने कैसे सेट कर दिया लड़की?